हाय हाय, आज हम अमेजॉन पे Xiaomi Pad 6 का जो रिव्यू है उसके बारे में रिव्यू करेंगे, ताकि आपको आसानी मिले खरीदने के टाइम कि कौन सा रिव्यू आपके लिए बेस्ट है, कौन सा रिव्यू नहीं अच्छा है। आमतौर पे ये रिव्यू जो हैं काफ़ी अच्छे रिव्यूज हैं, और कुछ जो हैं काफ़ी क्रिटिकल रिव्यूज हैं। इनको हम अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे। हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ओवरऑल इसकी रेटिंग जो है 4.4 है अमेजोन पे, जो कि सैमसंग के टैबलेट से भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आईपैड्स की अधिकतर 4.2 है, तो उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जितने भी रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, उन रिव्यूज़ में हम जो ऐसा रिव्यू हमें लगेगा कि बहुत क्रिटिकल और अच्छा रिव्यू है, उसको हम देखेंगे। पहला रिव्यू जो है ये काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू है, इन्होंने एवरेज सारी चीजें कवर किया गया है और अच्छे और से सब बताई है, और कोई बताया, कमी यहाँ पर इन्होंने नहीं निकाली है। तो तो खरीदते टाइम इसको आप देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये दूसरा जो रिव्यू है वो भी पॉजिटिव रिव्यू ही है, और इसमें कोई ऐसे कमी नहीं बताई गई है। जो तीसरा रिव्यू है इसको 289 पीपल ने हेल्पफुल पाया है। ये रिव्यू है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो मैं इस पर आऊँगा। इसके बाद सारे लगभग पॉजिटिव रिव्यूज ही हैं और सबको ये टैबलेट पसंद आ पसंद रहा है। है। पर्सनल प्रेफरेंस है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं, कुछ लोगों को अदर चीज़ें। लेकिन ये वाला जो रिव्यू है जिसको, और हाँ ये वाला एक रिव्यू है जो 11 डेज ऑफ यूजिंग, लगभग हमारे हमारे स्टाइल में ही इन्होंने लिखा है, और ये इन्होंने प्राइस भी कंपेरिजन किया है कि आईपैड लेना चाहिए या Xiaomi का पैड लेना चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम जो उस रिव्यू की मैं बात कर रहा था उस रिव्यू की ओर बढ़े, तो ये रवि प्रकाश जी ने लिखा है और ये काफ़ी अच्छा रिव्यू है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है और काफी और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को भी बताया है। 289 पीपल ने इसको हेल्पफुल पाया है। तो मैं भी एक बार इसको हेल्पफुल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये रिव्यू अच्छा लगा और मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ आपके लिए। इन्होंने डिस्प्ले को 6 out of 10 दिया है। इनके अनुसार इस डिस्प्ले में ब्लैक क्रस इशू है, ग्रे जो है वो डार्कर सीन्स में 0 डिटेल्स दिखाते हैं। इसका ये मतलब है कि जब भी ब्लैक और ग्रे सीन्स होते हैं तो उनमें ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। इन्होंने कहा कि HDR फ्रंट में भी इनको उतना अच्छा नहीं लगा, उसके अलावा सारी चीज़ें अच्छी हैं और इनको YouTube और अदर लोकल मीडिया चलाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बात सही है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो है आपकी एमोलेड स्क्रीन नहीं है, ये आपको ट्रू ब्लैक्स नहीं दे सकती है, लेकिन ये वेरी हाई क्वालिटी ब्लैक LED स्क्रीन है। ये LED जो है ट्रू ब्लैक्स नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती हैं एमोलेड की तरह से, लेकिन इनमें जो है शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एमोलेड की कंपैरिजन में, और आपको चीज़ें पढ़नी हो तो उस काम के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसमें क्या ब्लैक्स उतने ख़राब हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हों, तो ये हम देख लेते हैं। हमारे कैमरे के सामने ही टैबलेट खुला हुआ है, तो हम एक HDR वाला वीडियो जो है, यानी ये 1440/60 HDR वीडियो आपको हम प्ले करके दिखाते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर आप देखें तो ग्रेज और ब्लैक, ब्लैक काफी इवन डीप ब्लैक्स हैं, और मैं कहूंगा कि डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। तो वो जो उन्होंने वहां पर बोला था कि ग्रेज में उनको इतने डिटेल नहीं दिख रहे हैं, ये बात होनी नहीं चाहिए। मैं इसके साउंड को बंद कर देता हूँ, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स जो हैं वो सारे दिख रहे हैं, और जो उन्होंने बात बोली है कि ग्रेज में उनको डिटेल नहीं दिखते हैं, ये समस्या मुझे कहीं नहीं हुई। और LED पैनल्स इस काम के लिए जाने जाते हैं कि वो डिटेल जो है अच्छे से दिखा पाते हैं। एमोलेड में वॉशिंग आउट हो जाती है, लेकिन LED पैनल्स में नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का LED पैनल है। आप चारों ओर इसकी बैक लाइटिंग देख सकते हैं, यूनिफॉर्म है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो टूल्स भी यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, पिक्चर की क्वालिटी, सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो वाला जो है उनका रिव्यू मुझे उतना सही नहीं लगा। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ उनके रिव्यू में, और हम देखते हैं साउंड के बारे में। तो इन्होंने बोला कि साउंड जो है ये इनको डिसअपॉइंटिंग लगा, और इनको क्वाड स्पीकर का उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा है। हमारे पास मैकबुक भी है, और मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि ये मैकबुक जैसा ही साउंड करता है, इवन मैं कहूँगा थोड़ा और ज़्यादा स्पेसियस साउंड करता है, और लाउडनेस नियरली इक्वल है हमारे मैकबुक
के बराबर ही है। तो एक लैपटॉप, अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप का जो साउंड होता है उतना ही इसका साउंड है, प्लस चार और साउंड होने की वजह से आपको ज्यादा स्पेसियस सुनाई पड़ता है और ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड आपको यहाँ पर सुनाई पड़ेगी। तो साउंड को इवन मैं इसको 9 out of 10 देना चाहूंगा, क्यों 9 ही देना चाहूंगा, 10 out of 10 नहीं देना चाहूंगा मैं। मुझे लगता है कि थोड़ा बेस और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं जिनमें बेस ज्यादा होता है, लेकिन वो कुछ गेमिंग लैपटॉप्स में ही उतना ज्यादा बेस होता है, मैक में भी उतना ज्यादा बेस नहीं होता है। हाँ, और मैंने डिस्प्ले में इसको अगर मुझे स्कोर देना हो तो मैं उसमें भी 9 out of 10 देना चाहूंगा, गिवन कि जब मैंने बताया कि ट्रू ब्लैक्स LED में नहीं होते हैं इसलिए। उसके बाद हीटिंग इश्यू जो है, कई लोगों ने हीटिंग इश्यू की बात की है, इन्होंने बोला है कि इनका जहाँ पे कीबोर्ड कनेक्टर वाला पार्ट है जो कि होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे Xiaomi लिखा हुआ है, वहां पर ये जो 3 स्पॉट है यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो इनके अनुसार यहाँ पर इनको हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं। पर हमारे एक्सपीरियंस में यहाँ पर हीटिंग इशू नहीं होते, जब हम गेम लगातार काफी देर तक खेलते हैं तो जैसे आपका फोन हीट होता है वैसे होता है, लेकिन रेगुलर यूजेस में कभी नहीं होता है। और चूंकि इसमें काफी 8 सीरीज का स्नैपड्रैगन का है और मुझे कोई लैग नहीं देखने को मिलता है, हीटिंग होती है लेकिन नॉर्मल है उतना हीटिंग, लेकिन रेगुलर यूज में, डे टू डे यूज में हीटिंग वहां पर नहीं होती है। तो इन्होंने हीटिंग के लिए जो बताया है वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है। परफॉर्मेंस को इन्होंने 7 out of 10 दिया, इट लैग्स एंड क्रैशेज अ लॉट स्विचिंग बिटवीन डुअल एप्स, आई हैड रैंडम रिबूट्स टू एप, वर्क फाइन बट एंड्रॉइड टैब डोंट हैव मच एप ऑप्शन, पर नहीं अभी तक ये वाला इशू हमें नहीं आया, नहीं आया। और हमने Android, बहुत ज्यादा यूज किया और अभी तक नहीं, कोई इशू नहीं है। और एंड्रॉइड में आप देखें तो फ्री ऐप और सस्ते वाले पेड ऐप काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा है। और जो एप्पल इकोसिस्टम में भी उतने ऐप्स कई बार नहीं है, एंड्रॉइड जो है वो डिफरेंट ओपन सोर्स एप्स के लिए भी जाना जाता है, तो ऐप्स तो बहुत ज्यादा है, ये तो सबको पता है, सबको Android पता है। में बहुत ज्यादा है। अब जो यहाँ पर मल्टीटास्किंग जो है और ऐप स्विचिंग, तो ऐप स्विचिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट एक ऐप से दूसरे ऐप में जा सकते हैं, और यहाँ लैग तो नहीं दिख रहा है। और अगर मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है तो मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मल्टीटास्किंग के लिए मैं गया यहाँ पर और लॉन्ग प्रेस, फिर इस तरीके से ये है, इसके साथ मैं कौन सा YouTube भी खोल लेता हूँ साइड में, तो ये देखिए आसानी से स्मूथली ओपन हो जाता है। और अगर मैं चाहूँ एक और छोटी कोई विंडो मैं ऐड करना, मैं इसको क्रोम की एक छोटी विंडो भी ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो गई और ये देखिए आप सारा स्मूथ चल रहा है। तो ये आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कि ये वाला भी पॉइंट उनका सही है। हो सकता है उनके यूनिट में जो उनको मिला हो बाई चांस कोई गड़बड़ हो, ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऐसी उनको दिक्कत है तो उनको मेरे ख्याल से कस्टमर केयर को संपर्क करना चाहिए था, हमारे यूनिट में या हमारे फ्रेंड और रिलेटिव्स के किसी भी यूनिट में हमें ये दिक्कत नहीं मिली है। तो ये हो गया और हमने ये कवर कर लिया। इवन मैं हीटिंग और परफॉर्मेंस में प्राइस वाइज में 10 out of 10 देना चाहूंगा, और जो MIUI का इसमें जो स्किन है जो मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है वो मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड में इस समय, और iPad को भी मल्टीटास्किंग में कई मामलों में टक्कर दे देता है, 3 ऐप खोलना हो अगर आपको। तो चार्जिंग जो है इसमें 33 वाट है और इन्होंने इसमें 8 out of 10 दिया, मैं तो इसमें चार्जिंग में 10 out of 10 देना चाहूंगा, क्योंकि इसकी करीब 8000 mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी है और ये काफी फास्ट चार्ज हो जाता है, और मुझे लगता है कि अब तक के सबसे फास्ट डिवाइसेज में एक है, और इवन मेरे हिसाब से कोई टैबलेट नहीं अवेलेबल होगा जो इतना फास्ट चार्ज होता है। हो सकता है कोई शायद Huawei वगैरह कोई टैबलेट हो, लेकिन जनरली अवेलेबल टैबलेट में कोई इतना ज्यादा फास्ट नहीं चार्ज होता है। यहाँ पर भी नंबर थोड़ा कम है, कम है और जस्टिफाइड नहीं। कैमरा 4 out of 10 बैड, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, जस्ट फॉर वीडियो कॉल एंड फॉरगेट अबाउट। कैमरे का सैंपल हमने आपको ऑलरेडी डाल दिया है और हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया कि कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, और कैमरे की क्वालिटी आप टैबलेट जो है मुझे नहीं लगता कोई जो है फोटोग्राफी के लिए लेता है, और डॉक्यूमेंट जो है उसका स्कैन करने के लिए ज्यादातर यूज होता है, उस काम के लिए परफेक्ट है। हमने आपको 4K का सैंपल भी डाला हुआ है और वो मेरे ख्याल से काम चला हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा नहीं लेकिन काम चला हुआ। अगर हम इस प्राइस से ऊपर भी बढ़ें और हम डिफरेंट टैबलेट्स के कैमरा क्वालिटी को कंपेयर करें, तो आप जब जाएंगे
आईपैड में, एयर और प्रो में, वहां जाकर कैमरे की क्वालिटी, वो भी बैक कैमरे की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है, फ्रंट की उतनी भी नहीं इंप्रूव होती है। तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और इस प्राइस रेंज में जो सस्ता वाला आईपैड आता है उसकी कैमरे क्वालिटी इससे भी ख़राब है। तो इस प्राइस में इसका जो है कैमरा मेरे ख्याल से एकदम जस्टिफाइबल है, और इसके लिए 4 स्कोर यहाँ पे मुझे बहुत लाजमी नहीं लगते। सॉफ्टवेयर 10, 7 out of 10 है। एटलीस्ट कैमरा के लिए हाँ, 6 या 7 तो देना छः चाहिए। सात देना चाहिए, इवन मैं अभी 6 तक दे सकता हूँ, 5 या 6 दूंगा, लेकिन 4 बहुत ज़्यादा कम लगा। और इसको मतलब इस प्राइस रेंज में और भी ऐसे सारे टैबलेट से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, हम इनको फ़ोन से, आईफोन से या हम DSLR से तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना कम इसको नहीं देना था। सॉफ्टवेयर जो है वो 7 out of 10 है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने आईपैड के लिए नहीं पे किया है तो आईपैड लेवल का एक्सपीरियंस आपको नहीं एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि हाँ, आईपैड का इकोसिस्टम और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन गिवन कि इस प्राइस पॉइंट में और गिवन कि ये हमारे सौमी ने जो स्किन ऐड की है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सिमिलर एक्सपीरियंस है। और डे टू डे आप यूज़ करेंगे और एक बार अडाप्ट हो गए कुछ मतलब 5 डेज, विदिन 5 डेज में, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। इवन क्योंकि इसमें आप होम स्क्रीन कस्टमाइज अच्छे से कर सकते हैं, जो कि आईपैड के साथ पॉसिबल नहीं है। इसमें विजेट्स के जितने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन आपको आईपैड में नहीं मिलेंगे। तो फायदे हैं इसके, एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा फायदे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और अभी मैं मानूंगा कि 19-20 का ही डिफरेंस है आईपैड के OS और सॉमी में, और एप्स का सपोर्ट, सारी फेमस एप्स का सपोर्ट दोनों में ही और अवेलेबल है। आईपैड का क्लाउड सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। ऑल द और टाइम हाँ उनका बिल्कुल, जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, भूल जाते या हैं। ऑल द टाइम रीसेट करना हाँ, पड़ता सही है, पासवर्ड पे भी उनका आई क्लाउड लॉगिन नहीं होता लॉगिन है, नहीं होता प्लस वो है हर चीज के लिए पैसे मांगते हैं, हर एक ऐप के लिए, थोड़ा या स्टोरेज बढ़ाने के लिए, सबके लिए पैसे मांगते हैं। एक से ज्यादा आप आई क्लाउड अकाउंट से उसमें लॉग इन नहीं हो सकते, जबकि आप इसमें मल्टीपल गूगल अकाउंट से लॉग इन हो सकते हैं। तो ये सब ट्रिक्स हैं इसमें स्पेस ज्यादा यूज करने की। तो ये है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपडेट के बारे में। उन्होंने लिखा है 2 out of 10 दिया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 3 ईयर आप सिक्योरिटी पैचेज एंड 0 declared मेजर अपडेट। आई ट्राई टू रीच द सोशल मीडिया एंड PR टीम, बट आई गेस दे हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू नॉट इंगेज विथ एनीवन आस्किंग अबाउट अपडेट्स। अब इसके बारे में जो है ये ग्रे एरिया है, और मैं इनके रिव्यू से यहाँ पर सहमत हूँ, पर यहाँ पर ग्रे एरिया क्या है कि लेकिन मैंने भी एंड्रॉयड में काफ़ी सर्च किया और मुझे जो मिला है मैं आपको वो यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने जब इनके अपडेट की पॉलिसीज़ को देखा, तो अपडेट की पॉलिसी से मुझे ये पता चलता है कि जो इनका अपडेट है, यूजुअल डिवाइसेज में 2 साल का वो सिक्योरिटी देते हैं, और यूजुअली कम से कम एक बार OS अपडेट का ऑप्शन देते हैं। हमारा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो लेकिन यहाँ पर जो इस डिवाइस के लिए उन्होंने 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट बोला है, लेकिन कोई भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कितने साल का वो जो है OS अपडेट देने वाले हैं। अब इसके रिसेंट में ही जो लॉन्च हुआ था रेडमी टैब, उसके साथ तो उन्होंने बोला है कि OS का अपडेट देंगे, लेकिन इसके केस में उन्होंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये ग्रे एरिया है, और मुझे नहीं लगता है कि अगर रेडमी टैब के लिए दे रहे हैं तो इस वाले टैब के लिए नहीं देंगे, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो अगर आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको ये वाली इन्फो खुद भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ओरली बता दिया है, हमारा नेट उतना नहीं चल रहा है, तो इसलिए आप जो है खुद से पढ़ सकते हैं पर उसे। अपडेट में जो एंड्रॉयड्स के अपडेट होते हैं वो तो मिलेंगे। मिलेंगे आमतौर पे, Xiaomi जो है अपडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता रहा है। जब OnePlus वाले अच्छे माने जाते थे, लेकिन OnePlus वाले थोड़ा लेट से अपडेट देते थे, Samsung वाले साल साल भर लेट अपडेट देते, लेकिन Xiaomi वाले जब भी गूगल का अपडेट आता था, सिक्योरिटी पैच हो चाहे OS अपडेट, वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स होती थी जो कि अपडेट देती थी। हमारे पास जो पुराने फ़ोन, हमने पोको F1 भी यूज किया है, हमने इनकी रेडमी सीरीज, मी सीरीज के भी फ़ोन यूज कर रहे हैं हम, तो इस समय मी वाले सीरीज यूज कर रहे हैं, तो हमें रेगुलर OS अपडेट मिलते रहे हैं, रेगुलर हमें उसमें सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहे हैं। इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं अपनी ओर से एकदम दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। प्लस मैं बताऊँ, और जो इस इस समय एंड्रॉयड का वर्जन है वो काफ़ी ऑप्टिमम है, अगर सिक्योरिटी अपडेट देते रहते हैं तो आपका ये टैबलेट आउटडेटेड होने वाला नहीं आसानी से।
और जितना यहाँ पे लिखा है वो सारी कंपनीज भी उतना ही ईयर का हाँ सिक्योरिटी पैक सारी ही देती देती हैं हैं। और कुछ तो कम ही देती हैं। आईपैड वगैरह जो है आईपैड का अलग टर्म है, मैक सैमसंग। जो है वो मैक जो है काफी लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स होते हैं, लेकिन आईपैड और आईफोन्स के साथ उनके अलग अलग टर्म्स हैं, तो वो आप स्पेसिफिक डिवाइस के केस में पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी पैच जो है अनलिमिटेड होता है, पर सब सबके अपने ग्रे एरिया हैं, ग्रे एरियाज कंपनीज के हैं। अपने हाँ ग्रे लेकिन एरिया। एंड्रॉयड मार्केट में देखें तो ये जो है ये नॉर्मल नॉर्मल है हाँ पैटर्न, और ये उससे कोई बहुत अलग नहीं है। अलग नहीं है। इन्होंने वाईफाई रिसेप्शन को 10 आउट ऑफ 10 बताया है, और ओवरऑल स्कोर इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, तो वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन भी काफी फास्ट काफी है। फास्ट है, सबसे अपडेटेड वाईफाई और ब्लूटूथ है, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी होती है, स्पीड काफी सही है। तो यहाँ पर इनका जो है, यहाँ पर मैंने आपको अपने हिसाब से बताया, हो सकता है आपको ये यूजफुल लगे और खरीदने में आपको इन्होंने मदद करे। रिव्यू काफी अच्छे से दिया है, लेकिन कुछ एरियाज वो खुद भी कंफ्यूजन ओपन एंडेड छोड़ देते हैं कि अगर कस्टमर केवल इसको पढ़ रहा है तो उनके लिए काफी क्वेश्चंस ओपन रहेंगे कि ये करें कि ना करें। और 3 out of 5 स्टार देने पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि लें कि ना लें, कि हम पैसा